नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राग। बिहार शरीफ कोर्ट के चार दीवारी गिरने से मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि हादसे में चार लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। नगर थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को मलबे से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं सूचना मिलते ही सांसद कौशलेंद्र कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जिस मिनट पहले कोर्ट की दीवार गिर गई है, जिसमें कोर्ट दीवार के बगल में दुकान चलाने वाले ठेला वहाँ पे कुछ ग्राहक लोग भी थे जो नाश्ता वगैरह कर रहे थे, उसमें अभी तक एक महिला की मौत की खबर हुई है और पांच अन्य लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जख्मी है उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जैसा पता चल रहा है, एक महिला के हताहत होने की खबर और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, उनको अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। बाकी नगर निगम से जेसीबी वगैरह के माध्यम से लोगों के माध्यम से ये जितना भी मलबा था। औरंगाबाद जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने कवाड़ से कलाकृति बनाने वाले औरंगाबाद के शिल्पकार शशिकांत ओझा से मुलाकात की और उनके द्वारा बनाए गए कलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके कार्यों को भी सराहा। गौरतलब है कि औरंगाबाद के ये प्रतिभावान शिल्पकार फ्रेश और जंक मेटल पार्ट्स से अपनी कलाकृतियों की रचना करते हैं। बताया गया कि हाल ही में उनके द्वारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स का उपयोग कर एक टाइगर का स्कल्पचर भी बनाया गया। नालंदा में शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने तीन लोगों की जान ले ली। मामला रहुई थाना क्षेत्र के बीटा सरमेरा स्टेट हाईवे 78 काजीचक गांव के पास की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने विपरीत दिशा की ओर से आ रहे बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये तीन युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के पर खच्चे उड़ गए। हादसे के बाद कई थानों की पुलिस और खुद विधि व्यवस्था DSP सुशील कुमार मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे। तीन के पास लौट रहे थे प्रांचा गांव के लिए। कहां गए थे तीनों? गांव के पास दहमा है, बेंदे जो है ना। हाँ। गांव दहमा बरात गए हुए थे। अच्छा। वहाँ से लौट रहे थे प्रांचे गांव की ओर। कितने लोग थे ये? तीन लोग थे। ट्रक वाला कौन मारा? ये ट्रक वाला मारा। ये आई मौत लाल, लाल वाला ट्रक वाला है जो मारा, मतलब तीनों की मौत हुई। तीनों की मौत हुई। तो ये सब एक ही परिवार के हैं क्या? हाँ, एक ही परिवार में चचेरा भाई सब है। दहमा से प्राणपुर जा रहे थे बराती से लौटकर, काजी चक के नज़दीक ट्रक में एक्सीडेंट हो गए। तीनों का स्पॉट डेथ है। तीनों क्या परिवार है क्या? हाँ, तीनों अपना चचेरा भाई है, दो गो भाई है, वो चचेरा भाई है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक साथ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति जनगणना पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। जातीय जनगणना का पहली बात तो मैं भी समर्थन करता हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ज़रूरी है भैया। केंद्र सरकार राज्य सरकारें कई ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जो कि जातियों पर आधारित होती हैं, तो उनकी आबादी के अनुपात में राशि वितरित की जाती है, उसका वितरण होता है नहीं होता है, ये बातें जानना ज़रूरी है। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, बट हाँ, बिहार में विडम्बना ये है, BPSC की बात हो, शिक्षक भैया बैठे हैं सर मुंडवा रहे हैं, उनसे मिलने का समय किसी के पास नहीं है, सबके पास हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास पैदल चलकर नेता प्रतिपक्ष की इफ्तार पार्टी में जाने का समय, एक एक घंटे में घंटे तक बंद कमरे में बैठकर उनसे बातचीत करने का समय है, पर बिहार की ज्वलन समस्याएं, 19 लाख रोजगार के बारे में बात करने का उनके पास समय नहीं है, जो शिक्षक सर मुंडवा के बैठे हैं उनकी बहाली करवाने का उनके पास समय नहीं है। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। आज पटना हाई कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी, लेकिन आज फिर वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के DJP को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। बिहार NDA में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में सरकारी कार्यक्रम का जिक्र किया गया है और जिक्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, नितिन गडकरी की तस्वीर है, RK सिन्हा है, JP नड्डा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पोस्टर में तस्वीर नहीं दिखी।
बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चे और महिला समेत तकरीबन एक दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बलिया थाना क्षेत्र के एनएआर ढाला के पास की है। बताया गया कि बलिया थाना क्षेत्र के बहादुर नगर दियारा निवासी वाल्मीकि राय अपने बेटे के मुंडन संस्कार के लिए बेगूसराय कालिया स्थान ऑटो से गए थे। मुंडन संस्कार के बाद अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ जब वह वापस आ रहे थे तब एनएआर ढाला के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। वहीं सभी घायल एक ही परिवार के सदस्य बताए गए। जब इधर हम आए तब पाछे से हमारा ट्रक वाले इधर से साइड से धक्का लगा, आगे भी ट्रक था उसने जाकर हम, उसके बाद तो क्या हुआ उसके बाद कोई बातें नहीं था। उसके बाद लोग आ जाता वो सब लोग को पकड़ के निकाला, टेम्पू तो ही खड़े है, नहीं टेम्पू में थे, बगल से मार दिया था ट्रक वाले, और फिर आगे ट्रक था बस उसमें हम हमारे टेम्पू टकरा। पटना में किलकारी द्वारा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया जहां बच्चों द्वारा बनाए गए फिल्मों को प्रसारित किया जाता है। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को फिल्म निर्माण का व्याकरण सिखाना है। एक तो बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी इसमें क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है और इतने समय तक जो बच्चे सांस रोक के घरों में बंद थे तो वो उनको बहुत कुछ दिखाने का और देखने का दोनों का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग आएंगे, फिल्में आएंगी बाहर से जो अच्छी लर्निंग हो सकेगी हम सबके। इसने लर्नर फिल्म फेस्टिवल की परिकल्पना की है और इसका उद्देश्य है कि बिहार में जो भी लोग युवा और बच्चे किशोर फिल्म निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, के प्रयास में लगे हुए हैं, वो उसकी तकनीक को बेहतर तरीके से समझ सकें और जो भी वो जो सिनेमा का व्याकरण है उस पर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्में वो जहां हैं बिहार के जिस भी कोने में है अपनी जगह पर वो बना सकें, उनको एक मंच देने की कोशिश है कि इस फिल्म फेस्टिवल में वो अपनी फिल्मों के साथ आएँ और जो फिल्म के एक्सपर्ट हैं उनके साथ बातचीत करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।